देखती थी हमें क्या गोल शॉपिंग करते थे। इंस्टाग्राम का चटनी सुपर हिट। तो लेट मी शो यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ ईद मुबारक, हैप्पी ईद। एंड आज अक्षय तिथिया भी है जो मुझे सुबह सुबह पता चला, तो हैप्पी अक्षय तिथिया। इन अक्षय तिथिया के दिन में मुझे लगता है, अभी पता नहीं मेरी सासू माँ करती है कि नहीं, बट पहले मेरी सासू माँ हर वक्त सोना खरीदती थी, जैसे सब लोग यूँ ना सोना खरीदते हैं। फिर बहुत जन धनतेरस पर भी सोना खरीदते हैं, पर मुझे लगता है कोलकाता में अक्षय तिथिया में सब लोग सोना खरीदते, लेकिन मेरी सासू माँ बोल रही थी। तो आप लोग जो लोग ईद मना रहे, डेफिनेटली बताना आपका ईद कैसा गया, आप लोगों ने किस तरीके से इस बार सेलिब्रेट किया, एंड आप सबको ईदी में क्या क्या मिला। तो अभी गुड मॉर्निंग बोला कि नहीं मैं भूल गई, बट एक्चुअली इट इज़ गुड आफ्टरनून, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। सो नाउ द टाइम इज 12:30 एंड क्या बोलूँ, सुबह आज हम लोग थोड़ा लेट ही उठे, सैटरडे था ना, एंड सना कल भी नहीं आई थी। सो आई थिंक सो सिद के जन्म के बाद दिस वॉज द फर्स्ट वीक जो होल वीक ऑलमोस्ट मैंने अकेले सिद को हैंडल किया। तो आज मैं सोच रही हूँ यू नो लंच में वो राइस एंड ऑल नहीं बनाऊँगी, बहुत दिन से ना मैंने आलू पराठा नहीं बनाया है, तो आज लंच में मैं आलू पराठा बनाऊँगी। एंड इंस्टाग्राम पे ना अभी बहुत एक टमाटर की चटनी वायरल हुआ है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट, तो मैं वो बनाऊँगी। ओनली मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है, तो धनिया पत्ता छोड़ के बाकी सब कुछ ही है। पहले डो बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, यू नो फिर मैं थोड़ा अजवाइन देती हूँ, व्हेन आई मेक पराठा एंड ऑल थोड़ा अजवाइन दे देंगे। मैंने थोड़ा कूट लिया है एंड सॉल्ट, अभी पानी ऐड नहीं किया है, पानी थोड़ा देर बाद ऐड करेंगे। तो बस डो रेडी हो चुका है एंड अभी मैं कवर करके रख दूंगी, इसको निकाल लूंगी क्योंकि इसको वॉश करना है। कोई कोई दिन ऐसा होता है ना जहाँ पे आप कुछ बनाना, आपको बहुत बनाने का मन है, देन यू विल सी सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा है, तो आज वैसा ही है। आलू पराठा भी सिर्फ दो आलू है, फिर वो टमाटर का चटनी मैं बनाऊंगी, सिर्फ दो टमाटर है, तो जो भी हो आज सब थोड़ा थोड़ा करके ही मैं बनाऊंगी। तो मैंने सरसों का ऑयल दिया है, तो ऑयल जब गर्म हो जाए, ये जो हाफ है ना, लाइक ये जो पार्ट है ना, ये हम लोगों को उल्टा साइड पे देना है, तो छिलके वाला जो साइड है वो हम लोग ऊपर में रखेंगे, एंड थोड़ा सॉल्ट ऐड कीजिएगा ताकि छिलका निकल के आ जाए। तो छिलका निकल के आ गया, एंड नाउ मैं अपना थोड़ा बहुत तड़का लगाऊंगी, तो मैं टमाटर को ना अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी, ताकि टमाटर फुल्ली कुक्ड हो जाए। एंड सी टमाटर अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, एंड देन ना मैं इसी में रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी, तो ताकि रेड चिली पाउडर भी यू नो थोड़ा पक जाए। तो फिर अभी हम लोग इसको निकाल लेंगे, एंड अभी एक छोटा तड़के वाला पैन में मैंने ऑयल लिया है, एंड मैं अराउंड 7 गार्लिक ऐड कर रही हूँ। यहाँ का गार्लिक का इतना कुछ ज़्यादा एरोमा नहीं है, तो गार्लिक को आपको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। एंड फिर अभी हम लोग पेस्ट बना लेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए गार्लिक टमेटो में। एंड फिर आपको ऐड करना है अनियंस, धनिया पत्ता, ग्रीन चिली, एंड फिर थोड़ा चाट मसाला पाउडर एंड सॉल्ट, पर मेरे पास अनियंस भी कम था एंड धनिया पत्ता तो बहुत ही कम था, तो रेडी हो गया है। जल्दी जल्दी लेट मी मेक, एंड देन मेरा प्लान है अगर कोई भी नहीं जाएगा तो मे भी मैं अकेली जाऊंगी, क्योंकि मैंने सुन लिया है ना कि अक्षय तृतीया है, तो मे भी आई विल बाय समथिंग, छोटा मोटा गोल्ड का मैं कुछ खरीदूंगी मेरे लिए, नहीं तो राय के लिए, मोस्टली मैं राय के लिए खरीदूंगी। आलू पराठा का स्टफिंग के लिए मुझे लगा चलो आलू को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, मैंने थोड़ा अनियंस भी दिया है, फिर मैंने थोड़ा भाजा मसाला ऐड कर दिया, इससे ना बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, एंड रेडी हो गया है। एंड आलू पराठा का रेसिपी आप सबको क्या शेयर करना, बट हाँ अगर आपको आलू पराठा बहुत चटपटा बनाना है ना, तो आलू के स्टफिंग में ना ऐड लिटिल बिट ऑफ अचार, क्योंकि मैं अचार नहीं खाती हूँ इसलिए मैं कभी भी ऐड नहीं करती हूँ। तो रेडी हो गया है आलू पराठा, पर क्योंकि बहुत ही कम आलू भी था तो ओनली 5 पराठा हुआ है। एंड सिद को ना मैं एक छोटा रोटी बना के दूंगी, लाइक रोटी तो उसको दे ही सकते हैं ना, इट्स ऑल द सेम। एंड हाँ आप लोग बहुत जन पूछते रहते हैं पायल तुम सफ़ेद मक्खन कैसे बनाती हो, कैसे बनाती हो, तो मैंने बहुत बार शेयर किया, मैं देखती हूँ मेरे फ्रिज में होल क्रीम है कि, तो मैं फिर आप सबको दिखा दूंगी।
अभी बहुत जन आप लोग बोल रहे थे अमूल का फूल क्रीम से होगा क्या, तो लॉजिकली होना तो चाहिए बिकॉज इट इज ऑल्सो क्रीम. अभी जार में मैंने फूल क्रीम ले लिया है. मैं जैसे बोल रही हूँ आप कोई भी जार में बना सकते हैं. सो लेट्स क्लोज इट. अभी आपको ना इसको तब तक चलाना है जब तक क्रीम फुल थिक हो जाए. ये फुल थिक हो गया है तो अभी मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये जार थोड़ा लंबा है ना, बीच में मैं ऐसा होल बनाऊंगी. सी ये नीचे चला गया. तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आइस. अगर आपके पास ठंडा पानी है फ्रिज का तो दैट्स फाइन, क्योंकि नहीं है तो मैंने आइस ऐड किया है एंड फिर पानी ऐड करेंगे. तो फिर अभी आपको मिक्सी को चलाना है. तो सी ऑलमोस्ट फॉर्म हो गया है. अभी मैं इसमें और एक आइस दूंगी. बस अभी मैं लास्ट बार चलाऊंगी. इट शुड बी रेडी. तो लास्ट स्टेज में आप जब मिक्सर चलाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि जो बटर मिल्क है ना वो अलग हो जाएगा. एंड सी यू कैन सी कि पानी बोलते हैं ना अलग हो जाता है, वैसा होगा. तो मुझे लगता है इट इज रेडी एंड जस्ट सी अलग हो गया पानी. इसको छाछ बोलते हैं शायद, आई डोंट नो. बटर मिल्क ही होगा राइट. एंड सी द मक्खन इज सेपरेट. तो सी कितना अच्छा बटर निकला है, लाइक प्योर व्हाइट मक्खन. एंड किसको ये सफ़ेद मक्खन देख के खाने का मन कर रहा है. एंड आई विश कि थोड़ा मेरे पास टमेटो ज़्यादा होते तो टमाटर की चटनी में ज़्यादा बनाती. पर जो भी हो, जुगाड़ करके मैं बोलूँगी हम लोगों का सैटरडे का लंच काफ़ी टेस्टी हुआ था. मामा हाउ इज इट? गुड. हाउ इज द चटनी? रियली गुड. दिस इज द ट्रेंडिंग टमेटो चटनी इन इंस्टाग्राम. तो सब लोग बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम का चटनी इज सुपर हिट. यू नो सभी क्या बोलू, मेरा हिट है. और इसको ऐसे मैंने रोटी बना के दिया. एंड ये प्लेट्स ना बहुत अच्छा है. ओह गॉड, नॉटी 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 यू आर, नॉटी यू आर. तो ये प्लेट अच्छा है, जितना भी कोशिश करे नहीं निकलेगा. हाँ, ये भी रोटी खा रहा है ना बाबा. एंड सच्ची में चटनी बहुत ही टेस्टी हुआ है. एंड बटर के साथ तो और क्या बात. सॉरी, ये प्लेट के बारे में मैंने गलत बताया था. इसको सीध कभी भी इसको निकाल लिया एंड अभी इसी को खा रहा है. एंड द चटनी इज सो टेस्टी. आई विश थोड़ा ज़्यादा होता, पर यू नो जैसे मैं बोल रही थी सब कुछ जुगाड़ करके बनाया था. एंड द बटर मैंने आप सबको स्टेप पे दिखाया. हार्डली It will take 5 minutes to make the butter. Gundu! Gundu! देखो क्रीम में खड़ा हो गया, जम करता है, जम करता है. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं. एंड मैं मॉल स्पेशली जाना चाहती हूँ यार. आई वॉन्ट टू गेट माई दैट लैनकम का ऑयल. अगर मिलेगा तो हो सकता है ना, यू नो, अगर वो लोग के पास स्टॉक होगा तो, विच आई डोंट थिंक होगा, देन ऑल्सो आई जस्ट ट्राई इट. बिकॉज मुझे ये ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. तो पहुंच गए हैं. तो देखते अक्षय की थी हमें क्या गोल शॉपिंग करते, थोड़ा ही कुछ खरीदेंगे. एंड शॉपिंग के साथ आओ तो एक ही प्रॉब्लम, सिर्फ जल्दी करो जल्दी करो. तो अभी पहले नॉर्थ स्टोर में ना राय के लिए कुछ टॉप्स देखेंगे. तो ये भी बहुत अच्छा है, डेविड यर्मन. इससे मैंने एनिवर्सरी पे इयर रिंग खरीदा था, पर सोने का खरीदेंगे ना तो मे बी. हम लोग के यहाँ पे सिर्फ दो ही शॉप है विच आर रिनाउंड, तो टिफिनी से ही कुछ एक छोटा मोटा लेंगे, मे बी मोस्टली फॉर राय. टिफिनी के कलेक्शन बहुत अच्छे होते, बहुत ही स्टाइलिस्ट होते हैं, पर हाँ जितना देखने में बड़ा उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. तो ये सब देखने में ही मज़ा आता है.
तो वही मैं देख रही हूँ। एंड सिद को भी थोड़ा देखने का मन था तो मैं शौमिक को बोल रही हूँ चलो सिद को भी देखने देते हैं, लेट हिम ऑल्सो एंजॉय। एंड दिस ब्रेसलेट्स आर सो गुड, इसका छोटा वर्शन मेरे पास है, फाइनली ले लिया है, क्या लिया है वो घर में जाके दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग पैक करके दे रहे हैं। एंड फिर हम लोग टॉरी बर्च गए। एंड मुझे ना ये जो शू है, मेरे पास दो ही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है पहनने में। एंड शॉमिक बिल देने से पहले सब जगह से चले जाते हैं, टिफिनी में भी वो लेडी पूछ रही थी चले गए तुम्हारे हस्बैंड, वो चले गए, यहाँ पे भी दैट बॉय वाज लाइक मेरे से हस्बैंड ही शूट पे, मैंने बोला वो चले गए। शॉमिक इसमें ना ही इज टोटली लाइक माई डैड, मेरे पापा तो कभी लाइक मम्मी शॉपिंग करते थे तो बाहर खड़े रहते थे एंड द शॉपकीपर ना दैट टाइम यू ना अलग था राइट, तो शॉपकीपर से पूछते थे लाइक मेरी मम्मी से भाभी क्या प्रॉब्लम है, भैया गुस्सा है कि हम लोग से अंदर क्यों नहीं आते। एंड माई तो अभी टाइम हो रहा है 6:20, अभी मैं अपने विलेज के स्टोर में जा रही हूँ क्योंकि आलू नहीं है एंड मसूर दाल भी नहीं। सो स्टारबक्स से कॉफ़ी ले लेंगे ना, एंड फिर अभी राय वहाँ पे है स्टारबक्स पे ही है, मैं विलेज के स्टोर से आलू ले लेती हूँ। अचानक मौसम फुल खिचड़ी खाने वाला बन गया है, बहुत तूफान आएगा देख के लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, तो आज नेक्स्ट दिन हो गया यानी आज संडे है। कल ना आने के बाद मैं जैसे बोल रही थी कि बारिश होने वाला है तो बहुत ना बारिश हुआ एंड बहुत ही लाइटनिंग हो रहा था एंड रैक्स को ना बहुत डर लगता है, लाइक वो ना फुल शिवर करता रहता है। तो उसी में हम लोग का रात चला गया, यू नो 11 बजे तक यू आर शिवरिंग। तो नाउ द टाइम इज़ 9:00 एंड मुझे बहुत भूख लगा है। तो पहले जो हम लोग का रिवर्स रूटीन होता है कि पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज एक बार में ना मैं लंच बना लूँ एंड थोड़ा ज़्यादा करके लंच बना के रखूँगी क्योंकि कल जैसे सना नहीं आती है, अभी पता नहीं ये वीक वो आएगी कि नहीं, कल जो भी हो ना मुझे प्रिपरेशन लेना ही अच्छा है लगता है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना के रखूँगी ताकि कल कुछ प्रॉब्लम ना हो। एंड हाँ, आप सबको दिखाऊँगी भी कि हम लोगों ने क्या आखिर लास्ट में जाके क्या गोल्ड खरीदा। वेट, पहले मैं ये क्लीन कर लेती हूँ। तो लोगों के घर में यू नो नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन होता है, मेरे घर में मॉर्निंग टाइम लाइक अर्ली मॉर्निंग टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन होता है क्योंकि यू नो सिद सोता है रात को एंड मेरा एक स्केड्यूल रहता है इस चक्कर में और किचन क्लीन करना होता ही नहीं है। जब मैं कोई भी हॉल करती हूँ आप लोग सब लोग बोलते कि पायल किचन से करो, वहीं पे हम लोग का आदत हो गया है। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या खरीदा कल हम। तो पहले हम लोग नॉर्थ स्टॉर्म गए क्योंकि राय को ना अपने लिए स्कूल में पहनने के लिए कुछ टॉप्स खरीदना था एंड फिर मुझे वहाँ पे एक ड्रेस दिखा जो बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हुआ एंड इट वाज रियली नाइस, बहुत खूबसूरत ड्रेस भी था लाइक समर में पहनने के लिए। पर उसका ना जो गला लाइक गला नहीं जो बैक था ना थोड़ा ज़्यादा डीप था एंड मुझे ना अनइजी लग रहा था, तो शॉमिक को लगा ले लो, तो मुझे लगा चलो मैं ले लेती हूँ। फिर जब मैं गई ना बिल करने, फिर उसने बिल बनाया, फिर मुझे लगा यार इतना बड़ा बैक है यू नो मैं नहीं पहनती हूँ, तब मैं कभी भी नहीं पहनूंगी। तब मैंने उसको बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो शमी को ही बोल रहे थे कि पायल कल तुमने कुछ भी नहीं खरीदा, तो ये राय के लिए यू नो स्कूल में पहनने के लिए ये एक, उसने शायद दो खरीदा और या ये दो बस, बहुत ही समर्स के लिए परफेक्ट है, दे आर रियली वेरी लाइट सी। फिर हम लोग टिफिन ही गए थे, मैं जैसे बोल रही थी क्योंकि कुछ एक छोटा मोटा हम लोगों को खरीदना था। अभी मुझे ना कुछ भी खरीदने का मन नहीं था, शॉमिक मुझे बोल रहे थे तुम कुछ ले लो, पर क्या व्हाट टू से यू नो नाउ, जैसे मैं बोल रही थी अभी ना मेरा कॉन्सेंट्रेशन वो सिर्फ घर को लेके ही है, लाइक वो ही मुझे सिर्फ शौक है अभी कि नहीं मुझे घर खरीदना है, घर खरीदना है। एंड और एक और खरीदने का मन नहीं था और एक कारण है, वो मैं आप सबको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो हम लोग को छोटा मोटा ही कुछ खरीदना था, तो पहले राय अपने लिए ना पतला वाला ब्रेसलेट देख रही थी, पर वो राय के साइज में नहीं था, दे हैड लार्ज नहीं तो वो लोग के पास ऐसा स्मॉल था, मीडियम पे नहीं था। तो शी वॉज लाइक कि नहीं चलिए अभी यू नो यू कैन बुक इट एंड फिर आपके घर पे एड्रेस पे आ जाएगा। तो मैं उसको बोल रही थी नहीं यू नो हम लोग को आज ही कुछ खरीदना है। तो फाइनली क्या खरीदे फिर राय
कि इस हाथ पे ना वो एक रिंग पहनती है, यहाँ पे ना 10 कैरेट गोल्ड का भी रिंग मिलता है, तो वैसा मैंने उसको एक खरीद के दिया था, आई थिंक सो इट वॉज $100 का था। तो मैंने बोला तुम इस हाथ के लिए तुम एक अच्छा रिंग ले लो, तो फाइनली हम लोगों ने रिंग खरीदा। तो लेट मी शो यू सो दिस इज द रिंग। तो मैं जैसे वेयर ये पहनती हूँ ना, इसको कुछ बोलते हैं टी वेयर या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो इसी स्टाइल में सेम ये है, ऐसा भी था यू नो सेम कॉम्बो पे, पर मुझे जैसे मैं बोल रही हूँ अभी मुझे नहीं खरीदना था एंड रिंग का मुझे इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है, तो राय के लिए मैंने बोला तुम खरीद लो क्योंकि तुम्हारे मैं जैसे बोल रही थी ना इस पर तुम कुछ नहीं पहनती हो तो अच्छा लगेगा सी ऐसे डेली वेयर के लिए यू नो हर वक्त वो पहन पाएगी। तो बस यही हम लोगों ने खरीदा एंड टिफिनी ज्वेलरीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दे आर टू गुड एंड इफ़ यू लुक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस आल्सो, अगर आप यहाँ रहते बिकॉज मैं आप लोग बहुत जन पूछते रहते हैं जो लोग नए नए अभी आए हैं, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन ऑल दिस ज्वेलरी, बिकॉज अगर आपने कुछ खरीदा है ना अभी एंड इफ़ यू लुक इन द वेबसाइट, अगर आप एक दो साल बाद प्राइस देखेंगे, प्राइस are always on a higher side, like वो प्राइस देखते हैं ना तो आपको ऐसा you will feel happy कि हाँ अभी प्राइस कितना ज़्यादा बढ़ गया है एंड उसके साथ हर वक्त वो लोग एक ज्वेलरी बैग भी देते हैं। तो चलिए हो गया है एंड फिर शॉमी को बोला कि पायल तुमने तो कुछ भी नहीं लिया, तो मेरा ना जो सैंडल मैं पहनती हूँ टॉरी बार्च का जो मैंने लास्ट टाइम प्रेगनेंसी में खरीदा था, लास्ट टाइम क्या या लास्ट ईयर जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने खरीदा था, तो वो इतना कंफर्टेबल है ना, पर ज़्यादा पहनते पहनते आप देखेंगे ना कैसा हो जाता है, तो वही मैंने सेम सैंडल ही खरीदा पर अलग कलर में। इस बार मुझे लगा चलो मैं ब्लैक कलर का सैंडल खरीदती हूँ, आई थिंक सो ब्लैक ऐसा एक कलर है जो कोई भी ड्रेस के साथ किसी के साथ चला जाता है। तो नाउ द टाइम इज़ 2:00 एंड चलिए उसके साथ ये व्लॉग भी एंड करते हैं एंड शॉमिक को ना एक्चुअली मैंने सैंडल भी यहाँ पे राय का कपड़ा भी ना मैंने यहाँ पे रखा एंड शॉमिक को लगा ये सब कचरा है, तो शॉमिक इसलिए कह रहे ये सब कचरा क्यों रखा है बाहर फेंक दो, मैंने बोला अरे इसमें सारा सामान है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ नहीं तो सच्ची सच्ची में ना फेंक देंगे। तो उसकी काफ़ी अच्छे है रेट, घर में भी ऐसा एज ए नॉर्मल स्लीपर पहन सकते हैं एंड उसके साथ वो लोग एक बैग देते हैं तो मैं ये सब बैग ना रख देती हूँ, व्हेन यू ट्रैवल दिस और बैग्स आर सो यूजफुल। तो चलिए राय का भी क्लास ख़त्म, सब लोग ऊपर आ चुके हैं लंच खाने, सिद्ध भी नींद से जग चुका है, उसके बाद ये उसके साथ ये व्लॉग को भी एंड कर देते हैं एंड व्लॉग एंड करते करते फिर से धूप आ गया तो थैंक्स गॉड। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीक डेज एंड कल मैं सोच रही थी एक्चुअली आप सबको ईद का चांद दिखाऊंगी पर इतना बारिश हुआ तो कुछ भी चांद नॉल नहीं दिखा यहाँ पे एंड हाँ जाने से पहले और एक बार विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीक डेज, बाय बाय।